जिसने में तो इतना ही जाते हैं ना, 10 दिन, 2 दिन पहले और पारणा करते चले जाते हैं, यहाँ तो ज्यादा रुकते हैं। तो अब राजा जी घर के भद्रा सेठानी के नीचे खड़े हैं, और राजा जी भद्रा सेठानी का आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो बोले महिपति मुल्कानो, जिया जठ है ले जानो, चलो चेलना पटरानी, मन में उत्सुकता आनी, आज निरीक्षण करनो है, फिर समस्यों के डरनो है, भद्रा अगवानी पथ दर्शक, महला करी चढ़ाई, मानव तू है राही, मानव तू है राही। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे भाई अपनी पत्नी को, अपने पटरानी को कहा कि भाई आज तो भद्रा सेठानी जो कहे वही करना है तुमको, हंसते हुए कहा कि चलो अब आज जब निरीक्षणी करना है तो श्रम से क्यों डरना है, चलना है, पीढ़ियां चढ़नी है तो चढ़ेंगी, कोई बात नहीं। और अब आगे आगे भद्रा सेठानी और पीछे पीछे राजा जी चल रहे हैं। अब सबसे पहले तो घर के बाहर देखा, उपवन की आभा चारों ओर खिली है, सुंदर सुमनावली सुषमा मृदुल मिली है, सोपान पंक्ति मणि माणक सहज मंडिया है, सीढ़ी दर सीढ़ी पुल कित पैर बढ़िया है, पहली मंजिल पर महिपति चरण रुकावे, मगदा दीप सप्ति भौमि आवासे आवे। पहली मंजिल में देखा कि उपवन जैसा चारों ओर हरियाली, तरह तरह के फूल, 200 तरह के फूल, और सोपान अने पेड़ियों में माणक लगे हुए हैं, कहीं मोती अने रत्न लगे हुए जड़े हुए, ऐसे ना सुंदर। अब एक एक सीढ़ी कर पहली मंजिल पर आए हैं, और राजा ने क्या पैर रुकाए और पूछा कि भाई शालीभद्र कहाँ है। तो सेठानी कहती है कि भाई ये नहीं है, पहली मंजिल री महला यत रैसा मैं, वो राजभवन भी तुल नहीं तुलना में, है किसे कक्ष में कंवर कहो माता जी, दूजी मंजिल अब चढ़नो अन्नदाता जी, वेतन भोग्यारो ओ रहवासी कहावे, मगधा दीप सप्ति भूमि आवासे आवे। राजा ने देखा पहली मंजिल के सामने राजा कैसे, राजा का भवन कैसा लग रहा था, कुटीर जैसा, झोपड़ी जैसा लग रहा था, इतना सुंदर, और बड़े बड़े कक्ष उसने देखा। राजा भद्रा सेठानी, बेटा बेटी का कमरा कौन सा है, उसने कहा राजन दूसरी मंजिल, दूसरी मंजिल में आप चढ़ो, ये तो हमारे कौन रहते हैं, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के कर्मचारी रहते हैं, वेतन भूल, सफाई कर्मचारी ये सब रहते हैं इस पहली मंजिल में, इसलिए आप कृपा करके ऊपर चढ़ने की कृपा कराएं। दूजी मंजिल में कपड़ा सीवे दर्जी, मणिहारा मोती पोवे कठे कंवर जी, तीजी में निज निज काम मुनीम गुमास्ता, बैठ्या सलटावे स्वयं लिया मनियास्था, भद्रा सारी गतिविधि नृप ने समझावे, मगदा दीप सप्ति भूमि आवासे आवे। दूसरी मंजिल में चढ़े तो उससे भी अच्छा, और देखा कि दर्जी कपड़े सी रहे, यदि भी उनको तो कपड़े की जरूरत नहीं थी, 32 रानियां और शालीभद्र के तो क्या होते थे, ऊपर से आते थे, लेकिन नौकर सब एक जैसी ड्रेस, जितने भी नौकर चाकर उनके लिए, और मणिहारा मोतीपुर तरह तरह के, भद्रा सेठानी अपनी बहुओं को देती रहती थी, जो सास अपनी बहू को देती रहती है ना, तो बहुएं खुश रहती है, नहीं सासू जी हमारे लेना तो उन्हीं से ना, अच्छी सासू जी, अच्छी सासू जी लेती है, लेकिन ये करती है ना कि एक को देती है छिपके और एक को नहीं देती तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, दो तो चारों को बराबर, नहीं तो किसी को नहीं, सही है ना। तो
देखा कि तीजी में तीसरी में मुनीम गुमास्ता अपना काम कर रहे थे, सारा आय व्यय का सारा हिसाब कर रहे थे। भद्रा सेठानी सबको बताती जा रही, राजा जी को बताती जा रही भी ये है। अब राजा जी बोले बेटा, बेटा कहाँ है? बोले बेटा भी या नहीं, आगे 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 कृपा करो। चौथी री पोथी पढ़ो पढ़ो अभ्यागत, आगंतुक अतिथि जनारो कीजे स्वागत, है स्नानालय नानालय भोज भवन है, आरामी और विश्रामी करो उपवन है, सोचो सोवो बैठो घूमो झूमो चित चावे, मगदा दीप सप्ति भूमि आवास आवे। चौथी में राजा जी चढ़ गए हैं और भद्रा सेठानी कहते हैं ये हमारा गेस्ट 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 आते हैं ना, तो गेस्ट यहाँ रुकते हैं और हमने यहाँ पर सब तरह की सुविधा है, स्विमिंग पूल है, स्नान किसी को स्विमिंग, आपके ये पुरानी बात है, पुराने जमाने में भी स्विमिंग होता था, स्विमिंग पूल है, आपको ताश खेलनी है तो ताश है, और विविध प्रकार के नृत्य नित्यांगनाएं बुला रखी थी उसने कि राजा को बहलाने के लिए, मन बहला, बड़े बड़े सेठ लोग रखते थे ना उसको क्या कहते थे उस कमरे को, महफिल होती थी ना, महफिल में नाचने के लिए आती थी। तो राजन आप आराम करो यहाँ पर थोड़ा, उधर बड़ा सा कर, अब आप देखिए वो कहते आप आराम करो बैठो घूमो आप करो। अब भद्रा और राजा जी को तो क्या करना था, राजा जी तो किसको देखना था, शालीभद्र को देखना था। तालाब तरण व्यायाम करण क्रीड़ा स्थल, व्यायाम करने के लिए आजकल होता है जिम होते हैं, यहाँ व्यायाम करो, तालाब के लो, संगीत वाद्य, प्रत्येक रूम कैसा, एयर कंडीशन, ठंड में गरम और गरम में ठंडा। राजा तो ने देखा कि वातानुकूल रचना है सदन सदन में, सर्दी में उष्मा गर्मी सरद जीव सीजन में, सस्मित सम्राट स्वयं आश्चर्य चकित है, ओ धन कुबेर मारी नगरी में स्थित है, अज्ञात अपरिचित गर्वित है न स्वभावे, मगधादिक सप्ति भूमि आवासे आवे, ओ साली भद्रो कक्ष कहो माता जी, नहीं नहीं देवते बोले मृदु स्वर माजी, है हाल तीन मंजिल ऊंचो चढ़ जानो, स्वर्गीय सुखा में रहे सदा सुतराणो, तो चाला ऊपर भूपति चरण चढ़ावे, मगधा दीप सप्ति भूमि आवास आवे। मारवाड़ी है पर समझ में आ रही है ना, थोड़ी थोड़ी आ रही है दिनेश भाई को, थोड़ी थोड़ी, इसीलिए मैं व्याख्या कर रही हूँ। वातानुकूल यानी एयर कंडीशन, हर कमरे में एयर कंडीशन है, सर्दी में गर्म और गर्म में ठंडा। और राजा जी आश्चर्यचकित, दुखी भी है और खुश भी है, दुखी इसलिए कि मैं राजा होकर मेरे पास नहीं है, और खुश इसलिए कि मेरी नगरी में ऐसा भी कोई रहता है, इतना वैभव, इतनी सुविधाएं, इतना सब कुछ, और मुझे पता ही नहीं है, ये बात भी है, राजा जी को पता ही नहीं है। तो पूछते हैं राजा जी, एक बड़ा सा कमरा था बिल्कुल महफिल जैसा बहुत सुंदर, तो भद्रा सेठानी से पूछते क्या ये कमरा है क्या शालीभद्र का, भद्रा सेठानी का नहीं 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 राजन ये नहीं है, अभी तीन मंजिल और ऊपर है, मेरा बेटा तीन मंजिल और ऊपर, मास्टर बेडरूम इज इंपॉर्टेंट राइट, और मेरा बेटा हमारा स्वर्गीय सुख में रहता है, वो कभी नीचे उतरता ही नहीं है, और वो इतना कोमल है, इतना मुलायम, इतना नाजुक है, मैं उसको कभी बुलाती नहीं हूँ, कभी घर गृहस्थी के काम में उसको बताते नहीं, वो आराम से अपनी 32 रानियों के साथ रहता है, उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उसकी कोई कमी नहीं है, इसलिए। अब राजा जी को तो उत्सुकता हो गई, बोले चलो ऊपर चलते हैं, फिर बोले नहीं अब आपको नहीं है, अब आपको कष्ट नहीं कराऊंगी, आप यहाँ गेस्ट रूम में आप आराम करो, थोड़ा आप लो ड्रिंक लेना है कुछ पीना है
कुछ खाना है, नाश्ता करना है, सामने आपका तालाब है, आप उसमें करना। और वो रानी को तो उसने कहा, अवनी से आपने अबैन कष्ट कराऊं, मैं जाऊं नानड़िये ने नीचे ल्याऊं, मैं अब आपको कष्ट। नानड़िया पुराना हमारे यहाँ राजस्थान में क्या कहते हैं, छोटा होता है ना, माँ के लिए बेटा हमेशा ही नानड़िया होता है, नानड़िया ही होता, बच्चा ही होता है ना, मैं नानड़ियों को नीचे लेके आती हूँ। और गुरुदेव ने बनाया भी ऐसा ही है। और उसी समय क्या हुआ, रानी वहां जो था ना ताला स्विमिंग, वहां पर रानी गई हाथ धोने के लिए, और अचानक क्या हुआ, उसकी अंगूठी पानी में फिसल गई। ऐसा होते होते फिसल गई। जैसे ही लोगों को पता चला, अनुचर जो भी थे दायित्व, उन्होंने तत्काल क्या किया, पानी को सुखा के अंगूठी को निकाला और लेकर कैसे आए पता, कोड़ा को मैं थोड़ा थोड़ा छोड़ भी रही, क्योंकि 3 दिन में पूरा करना है। कोड़ा कीमत की, कोड़ी कीमत की है, भद्रा मुद्रावली में बा स्वयं छिपी है, राजा रानी अति खिन्न प्रसन्न बनिया है, युगपत श्यादवादी वादी सन्न बनिया है, अब साली भद्र ने निरखण हृदय उमावे, मगधा दीप सप्ति भूमि आवासे आवे। अब उसी समय रानी की अंगूठी अकेले दे तो भद्रा सेठानी को खराब लगेगा, पूरी अपनी सैकड़ों अंगूठियों को के बीच में थाल में बीच में रानी की अंगूठी लेकर आई है। अब रानी देखती है करोड़ों के सामने मेरी कोड़ी जैसी लग रही है, कोड़ा और कोड़ी समझ गए, करोड़ों की कीमत की ऐसी ऐसी अंगूठियां कि कभी देखी नहीं, उसके बीच में मेरी कैसी लग रही है। अब राजा और रानी दोनों दुखी भी और खुश भी है, दोनों दुखी है कि भाई इतना इसके पास वैभव, हम राजा रानी होके भी हमारे पास नहीं है। अब दोनों का अपना चिंतन चल रहा है। और आपको पता है भद्रा सेठानी को कहाँ जाना है, 7वीं मंजिल बेटे को बुलाने के लिए जाना है। तो आज आज रात को चढ़ने थे उसको भद्रा सेठानी, जाने के लिए टाइम लगेगा ना। और दोनों ये श्यादवाद का उदाहरण है, देखो एक ही टाइम में खुशी भी है और गम भी है, होता है, अनेकांत हमारे जीवन के पग पग पर घटित होता है। मैं एक छोटी सी उदाहरण से आपकी बात को संपन्न करना चाहूंगी। एक महिला 5-स्टार होटल में रुकी और पास के कमरे से उसको गाने की म्यूजिक की आवाज आ रही थी। महिला बहुत संपन्न थी, उसने मैनेजर से कहा, होटल के मैनेजर से, कि भाई तुम इस आदमी को, ये पास में मेरे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, मैं हार्ट की मरीज हूँ, इसको हटाओ यहाँ से, नहीं तो फिर ना ठीक नहीं रहेगा। तो मैनेजर ने कहा कि भाई देखो आप और कोई दूसरा स्थान ले लो, लेकिन मैं इनको हटा नहीं सकता, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी, अब जानते इंडिया के मोहम्मद रफ़ी रियाज कर रहे हैं, इस बगल वाले कमरे में मोहम्मद रफ़ी रियाज कर रहे हैं गीत का, उनका बहुत बड़ा एक प्रोग्राम शो होने वाला है। अब वो महिला कहती, अच्छा मोहम्मद रफ़ी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो उस कमरे में जाके और सुनने के लिए चली गई। अने एक क्षण पहले जो संगीत उसको कष्ट दे रहा था कि इसको बंद करो मुझे कष्ट हो रहा है, और 2 क्षण बाद क्या हुआ, वो ही संगीत उसके लिए आनंद कर। होता है हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, एक साथ दोनों घटनाएं होती है हमें से एक ही, अने हम समझ नहीं पाते हैं कि प्रकृति हमारे लिए अच्छा कर रही है, लेकिन हम नहीं समझ पाते, इसलिए अनेकांत को जीवन में घटाना जरूरी है। तो मैं अपनी बात को संपन्न करूं और आप देखिए अब आगे क्या होता है, आगे आपको देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है आगे कि कैसे भद्रा सेठानी, अभी तक शालीभद्र को पता नहीं है, अभी तक शालीभद्र को पता नहीं कि राजा उसके घर गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। आप सोच सकते हो कि कितनी मस्ती में रहता होगा। तो अब भद्रा सेठानी उसको कैसे समझाएगी और कैसे लेके आएगी, तो हम इसके बारे में, ये है मारवाड़ी लेकिन बड़ा रोचक है, मारवाड़ी का बनाया हुआ भी, तो आप सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। और लास्ट का क्या, लास्ट में क्या होता है इसके बारे में सुनेंगे। तो आज का हमारा रात का विशेष क्या है,